हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो आज की वीडियो में मैं अपने सभी स्केचेस दिखाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सभी एक एक स्केच करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये सभी स्केचेस मैंने डिस्प्ले बुक पर रखे थे, जो कि मैंने अभी बाहर निकाल रखे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी स्केचेस देख दें। ये मैंने मतलब बहुत स्टार्टिंग में बनाया था, जबकि मुझे खास कुछ आता नहीं था, अभी भी कुछ नहीं आता है। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने चारकोल से ड्रॉ किया हुआ है। हेयर कुछ ज़्यादा खास नहीं बने हैं, बस ठीक ठाक है। और आप ये सभी जितने भी स्केचेस देखोगे अभी, जब सब ये सब फ्रेंड के हैं। और ये स्केच है मेरा, जो कि सिर्फ आउटलाइन बना रखी है मैंने, बट विदाउट ग्रिड है। ये जितने भी आप देखोगे अभी विदाउट ग्रिड है, मैंने कोई शेडिंग वगैरह नहीं कर रखी अपने स्केच में। गाइज, मैंने जितने भी ये स्केचेस बनाए हैं, ये मैं पहले कभी कभार बना लेता था, बट मैंने इस स्केच से स्टार्टिंग की थी सीरियस होके, लॉकडाउन में की थी मैंने। और आप जितने भी ये स्केचेस देख रहे हैं, ये सब बहुत चीप पेपर हैं, जो कि आप देखते हैं ये नोट्स वगैरह आते हैं उसमें से लिए हुए मैंने। ये भी सभी फ्रेंड के स्केच हैं। और गाइज, मैंने जो ये वाले जितने भी स्केच है, मैंने यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो भी मैंने पहले स्केचेस जितने भी ड्रॉ किए हुए हैं, वो सभी के सभी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रखे हैं, वो ज़्यादा टाइम लगा के नहीं बनाए। बट मैंने यहाँ से थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ। अभी ये सभी फ्रेंड्स के हैं, अभी तक ये सब विदाउट ग्रिड ही हैं, इसके बाद मैंने बाद में ग्रिड स्टार्ट कर दिया था। और आप ये देख सकते हैं, कबीर सिंह का स्केच काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये मैंने ये भी बहुत चीप पेपर पे बना रखा है, कोई मतलब बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, और आर्ट लाइन की पेंसिल से बना रखा है पूरा पूरा, सुशांत सिंह राजपूत। और जो गाइस, ये वाली सीट है, ये कम से कम 250 GSM की है, और ये भी सब आर्ट लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा शेडिंग पे ध्यान देना चालू कर दिया था, क्योंकि उससे पहले मैं शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस ऐसे ही थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता था। अमृतमान, और ये है जोकर। गाइस, जो ये स्केचेस है, जो आप जोकर के बाद जितने भी स्केचेस देखोगे, वो सभी के सभी कोई नूर की पेंसिल से हैं। कम से कम उसमें 12 शेड है, 12 शेड का पूरा सेट आता है उसका। और आप ये देख सकते हो, जो कला काफ़ी अच्छा बना हुआ है, गुलजार छानी वाला। और ये मैंने एक नेट पे से पिक ली हुई थी, मतलब मैंने नेट पे से ली थी, और उसमें से मैंने ये देख के बनाया हुआ है, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसकी मतलब थोड़ी स्माइल ज़्यादा क्यूट है। और आप ये देख सकते हैं, ये एक आर्टिस्ट है, जो कि USA की है, मेरे इंस्टा पे, तो मैंने इनका भी एक ये स्केच ड्रॉ किया था। और आप ये देख सकते हैं स्केचेस, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसमें डिम्पल भी है, इसकी स्माइल काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये स्केच बनाना चाहिए, तो मैंने ये स्केच बना दिया। और ये है ओल्ड कपल, मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। गाइस, जितने भी मैं स्केचेस ड्रॉ करता हूँ, मैं ज़्यादातर सेलिब्रिटी के बहुत कम ही करता हूँ, मैं अपने मतलब मन से ही करता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है वही ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये बनाना चाहिए, मैं उसी को ड्रॉ करता हूँ। और ये है मेरा लास्ट स्केच, जो कि मैं अभी तक इसी पे स्केच पे पहुँचा हुआ हूँ। अब ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है अभी, बस ये A4 साइज़ में इतना ही है, तो मैं आपको A3 साइज़ के दिखाता हूँ, 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। ये A3 साइज़ भोलेनाथ स्केच। गाइस, मैंने इसमें ना एक मतलब मैंने इसमें कोई ग्रिड का यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए थोड़े पैर छोटे बन गए। और एक ये A3 साइज़ का, ये है तो A3 साइज़, बट मैंने नीचे से इसको थोड़ा कट कर रखा है, मैंने इतना ही बना रखा है इसको। और एक ये आइज़ का, जो कि मैंने 15 अगस्त को बनाया था। बस स्केचेस इतने ही हैं अभी, A3 साइज में 3, तो इतने ही हैं। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।